के। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी उत्पादों पर आईजीएसटी को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया गया है। इन उत्पादों पर अब 31 अगस्त तक कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से जुड़े एम्फोटेरिसिन बी पर भी ये छूट जारी रखने का फैसला लिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कोविड से जुड़ी सामग्रियों पर नई जीएसटी दर के बारे में निर्णय के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगर जीएसटी दरों में और कटौती की जरूरत महसूस की जाती है तो इस बाबत निर्णय किया जाएगा। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की और कोविड-19 से निपटने के दौरान मुश्किल समय में भारत का साथ देने के लिए बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। जयशंकर ने कहा कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम कोविड-19 से साथ मिलकर लड़ रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजगीर पर जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने वोल्कन बोजगीर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वो आसीन है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश को लेकर उनके द्वारा किया गया उल्लेख अनुचित है। आपको बता दें कि बोजगीर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और मजबूती से लाना पाकिस्तान का कर्तव्य है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में वोल्कन बोजगीर की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया है। देशभर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयास लगातार जारी है। रेलवे ने अब तक देशभर के विभिन्न राज्यों में 19,400 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक राज्यों के 39 शहरों और कस्बों के 41 स्टेशनों पर ऑक्सीजन उतार चुकी है। रेल मंत्रालय का कहना है कि 1,150 से अधिक टैंकरों के साथ 289 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर तय कर चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे का प्रयास है कि जरूरतमंद राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। भारत में अब तक कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की 20,86,00,000 खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के 13,36,309 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक जबकि इसी आयु वर्ग के 275 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। कल शाम 7 बजे तक 28,00,000 लाभार्थियों को टीके दिए गए। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होने के बाद से अब तक इस आयु वर्ग के 1,66,47,122 लोगों का टीकाकरण हुआ है।